अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड आउट द विंड प्रेशर टू बी अकाउंटेड फॉर डिजाइनिंग अ स्लोपिंग रूफ ऑफ ए शेड हैविंग अ स्पान 15 मीटर। उसका स्पान दिया हुआ है, राइट। स्पान जो है वो गिवन है 15 मीटर, इसी को हम लोग W बोलते हैं, है ना। पिच दिया हुआ है, इट्स पिच इज 1/4। पिच जो है 1/4, पिच अगर 1/4 दिया है तो क्या एंगल निकल जाएगा, राइज निकल जाएगा? तो बताइए राइज निकल जाएगा। राइज का फॉर्मूला बता देते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना है। ये हम लोग को राइज है निकालना, ठीक है। इसका आप लोग लिख लेंगे, राइज जो होता है और ये स्पान है, ठीक है। तो जो राइज होगा, राइज राइज अपॉन स्पान जो है वही हो जाता है आपका पिच। राइज अपॉन स्पान जो है इसी को हम लोग पिच बोल रहे हैं। क्या यहाँ से राइज निकल जाएगा, बोलिए। इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहां से हम लोग राइज निकाल सकते हैं। तो राइज कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 इंटू स्पान कितना है, कितना हो जाएगा, 3.7572 फाइव सर 7.5 इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द शेड इज कंसीडर्ड एज 6 मीटर। तो हाइट जो है उसका 6 मीटर आप कंसीडर कर सकते हैं, 6 मीटर उसका हाइट दिया हुआ है। सो एच इज गिवन 6 मीटर। उसके बाद विथ नॉर्मल परमिबिलिटी, ठीक है। द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन मुंबई, मुंबई में सिचुएटेड है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वहां का वीबी कितना होगा। एज्यूम K1 K2 वो सब दिया हुआ है, K1 इज 1 दिया हुआ है, K2 आपका 0.8 दिया हुआ है, K3 आपका 1.0 दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, बोलिए बोलिए, पहला स्टेप सर मुंबई का टेबल में देखना होगा कि विंड स्पीड। हाँ, तो हम लोगों को निकालना है एक्चुअली VZ, डिजाइन विंड स्पीड। सो VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3। तो जरा मुंबई के लिए बताइए VB कितना होगा, फोर मुंबई VB इज इक्वल टू कितना है, टेबल में देख लीजिए। अगर मुंबई नहीं मिला तो बॉम्बे देख लीजिए, क्योंकि पुराना कोड होगा तो पहले बॉम्बे था ना। बोलिए सर 44 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ ना बॉम्बे 44 बॉम्बे के लिए 44। चलिए तो बॉम्बे के लिए हमारा 44 आया, 44 मीटर पर सेकेंड। तो जरा पुट कर लीजिए, 44 इंटू 1.0 0.8 हो गया, फिर 1.0 कितना आएगा, 35.2। चलिए स्टेप टू, PD निकाल लीजिए, जीरो पॉइंट सिक्स कितना आया, 743.424।
इसको जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा के ले सकते हैं। तो सपोज ये हमारा कुछ 750 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बढ़ा के थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक है, ये आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो यूनिट है एक्चुअली वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बिठाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और वीजेड जो है यहाँ मीटर पर सेकंड में पुट करना है, ये भी हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं कोई और यूनिट में हम पुट कर देंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गलत आ जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप बोलिए क्या करेंगे। मिटाएं इसको, इंटरनल प्रेशर और सीपीआई कैलकुलेट करेंगे। सो आवर थर्ड स्टेप इज टू वो है हमारा सीपीई एंड सीपीआई निकालना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना जो होगा वो ये निकालना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे अल्फा कितना है। ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा निकालना होगा, तो अल्फा जरा निकालिए क्योंकि ये राइज है। राइज कितना आया है, 3.75 मीटर निकला था। ठीक है, 75। और ये जो है आपका 15 है मीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, कितना मीटर होगा। ठीक है, ये हो गया राइज, तो अल्फा कितना हो जाएगा बोलिए। तो कितना हो गया अल्फा बताइए, कितना हो जाएगा, 26.56 डिग्री। 26.5 डिग्री आ जाए, समझ गए। ठीक, तो अब जरा बताइए, अल्फा तो निकल गया, एच बाई डब्ल्यू बता दीजिए, एच कितना है, 6 मीटर है, एच इक्वल टू 6 मीटर। यस सर। और डब्ल्यू कितना हो गया, 15, कितना आएगा, 60 ना, 0.4 आएगा, 0.4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केस क्या बन गया, ये लेस देन 1.2 है ना, लेस देन 1.2 है, और अल्फा आपका 26.5 है। तो इसके लिए, इस वैल्यू के लिए हमको टेबल से जाके दोनों वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये आपको लाइक करेगा किसमें, 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में, तो दोनों के लिए वैल्यू लिखना पड़ेगा और आपको सीपीई निकालना होगा इन बोथ केसेस। ठीक है, हम लोग यहाँ सबसे पहला काम कर रहे हैं सीपीई निकालने के लिए, ये सब जो भी काम कर रहे हैं सीपीई निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, टेबल से देख लें कितना आता है, बोलिए इसको जरा मिटाएं, लिख लिए हो तो हो गया, बोलिए। यस सर। ठीक, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। तो जरा टेबल में जाके आप लोग देख लेंगे कि 4 HYW लेस देन 1/2 एंड अल्फा 26.5, हम लोगों को क्या डेटा चाहिए होंगे। एक तरफ टेबल में लिखा होता है स्लोप, ये देख लीजिएगा, उसके बाद लिखा होता है 4 विंड एंगल 0 डिग्री, मतलब थीटा इज 0 डिग्री, और इसके अंदर दो वैल्यू रहते हैं, एक तो रहता है विंड वार्ड के लिए और एक रहता है आपको ली वार्ड के लिए। ली वार्ड इस तरह से अगर रूफ है EFGH, राइट, सो ये हो गया EF के लिए, इधर से विंड आ रहा है तो ये हो गया आपको GH के लिए। उसके बाद यहाँ पे 4 विंड एंगल थीटा इज 90 डिग्री,
तो इसके लिए भी हमको यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक हो गया ई जी और एक हो गया एफ एच, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल बे हो गया, और एक हो गया नियर गैबल एंड, ऐसा आपको कोड में दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू बताइए 20 के लिए कितना है जरा बताइए, और 30 के लिए, क्योंकि यही इसी बीच में लाई करेगा जो रूफ एंगल है, बताइए जरा। बीस और तीस के लिए जरा बताइए जल्दी। ईएफ बोलिए सर, अभी 20 के लिए विंडवर्ड ईएफ इक्वल टू -0.4। हाँ और सर क्या जीएस के लिए -0.4, ईजी के लिए -0.7, ठीक है, और सर एफएच के लिए भी -0.6। उसके बाद 30 के लिए बताइए, 0। अच्छा 0, उसके बाद 0.4 माइनस में, ठीक है, सेम है सर, बाकी सब सेम है। अच्छा सेम है, -0.6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 20 और 30 के लिए निकाले, लेकिन हमको कहाँ चाहिए, हमको इन दोनों के बीच में चाहिए, और वो है अल्फा 26.5। तो इन सब वैल्यूज को आप निकालिए, तो जरा एक वैल्यू यहाँ, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में तो वही रह जाएगा, है ना, ये दोनों तो सेम सेम है, तो 0.7 ही रह जाएगा बीच में भी, हमको लगता है, क्या लगता है, ये बदलेगा, बोलिए। सेम रह जाएगा, सेम रह जाएगा, तो इन दोनों में सेम रह जाएगा, लेकिन इन दोनों में बदलेगा, तो बताइए कितना आएगा इसमें, इंटरपोलेट करिए। तो इंटरपोलेट करिए और हमको बताइए जरा कि अगर 26.5 डिग्री होगा तब वैल्यूज क्या होंगे। सॉरी ये हो जाएगा आपको, इसी का निकला क्या, जैसे देखिए ये है ना, अब मान लीजिए y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, तो y माइनस y1, y1 जैसे इसको मान लेते हैं y1, इसको y2, x1, x2, ठीक है, तो पुट कर लीजिए, तो y2 हो गया, y1 हो गया प्लस 0.4 हो जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा प्लस में, उसके बाद x x2 माइनस x1 करेंगे तो 10 डिग्री आएगा, और x हो गया 26 और माइनस 20 तो 6 डिग्री आएगा, 6.5 डिग्री आएगा, तो कितना आएगा बोलिए, -0.14, ठीक है, तो इसमें आ गया -0.14, इसमें जरा बताइए दोनों तो सेम है ना, ये तो क्या, तो यही रह जाएगा मुझे लगता है, बोलिए, ठीक है, समझ में आया, ओके क्लियर है क्या, नहीं बोल रहे आप लोग, अरे इसमें पुट कीजिएगा तो ये जीरो आ जाएगा, वाई वन ही जीरो आ जाएगा, ये पार्ट पूरा जीरो हो गया, तो वाई इज इक्वल टू वाई वन, मतलब जो 0.4 बैठा जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आए हैं इसका आप लोग यूज करें,
ओके सो एक दो तीन चार, चार को हमको सीपीआई का वैल्यू आ गया, सीपीई का, ठीक है, चार वैल्यू हमको सीपीई का निकल गया चारों तरह के लिए, ई एफ जी एच ई जी एफ एच, चारों तरह के चीजों के लिए हमको मिल गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस। चलिए अब अब हम लोग सीपीआई निकाल लेते हैं। तो सीपीआई क्या हो जाएगा? इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें विंड का प्रेशर है, समझे ना, ये सब विंड का प्रेशर है। तो सीपीआई जो है, ओपनिंग तो आपको पता है, ओपनिंग भी दिया हुआ है, प्लस नॉर्मल परमिबिलिटी। तो नॉर्मल परमिबिलिटी मतलब होता है कि 5% से कम, ठीक है, 5% से कम की बात कर रहे हैं। तो 5% से कम के केस में हम लोग प्लस माइनस 0.2 ले लेंगे सीपीआई। ऐसे क्वेश्चन में भी दे देगा, ऐसे ओपनिंग दे रखा रहेगा कि इतना, या नॉर्मल परमिबिलिटी लिखा है, मतलब समझ जाइए परमिबिलिटी कम है, नॉर्मल 5% से कम है। परमिबिलिटी मतलब क्या होता है, जाने का जगह जो है कम है, नॉर्मल है। तो ओपनिंग कम है, इसलिए हम लोग सीपीआई इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 लेंगे। नॉर्मल केसेस में हम ये यूज करते हैं, अदरवाइज स्पेसिफाइड रहेगा, लिखा रहेगा। तो सीपीई का निकल गया, सीपीआई निकल गया, क्लियर है? बोलिए। यस सर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और हमारा काम क्या है उसमें? कंबाइंड सर, कंबाइंड विंड निकालना है। कंबाइंड विंड, चलिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो दो चीज देख लेते, पहले विंडवार्ड स्लोप। विंडवार्ड मतलब क्या हुआ? ई एफ, ठीक है, लीवार्ड मतलब जी एच। तो यार पुट करिए सीपीई, बताइए विंडवार्ड स्लोप में कितना था? ई एफ के लिए क्या निकाले हैं? माइनस 0.14 है ना, बोलिए। yes. सीपीआई जो है, दो वैल्यू सीपीआई का है, एक वैल्यू लिखेंगे प्लस 0.2 इंटू 750, फिर माइनस 0.2 इंटू 750, क्योंकि दो वैल्यू आता है ना सीपीआई का। चलिए करिए, तो कितना आता है? कंबाइंड विंड प्रेशर 4 लिखिएगा, 4। बोलिए कितना आया? 45। प्लस में आया, माइनस में आया? प्लस, प्लस 45। प्लस का मतलब होता है डाउनवर्ड, डाउन समझ गए, प्लस का मतलब होता है डाउनवर्ड। और ये कितना आया है? माइनस 225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। माइनस मतलब अपलिफ्ट, ये टर्म है जिसको डिनोट करते हैं, अपलिफ्ट बोला जाता है। तो ये दो चीज निकल गया। लीवार्ड के केस में बताइए सीपीई कितना था? माइनस 0.4 था क्या? बोलिए एक बार हम लोग 0.2 पे निकाल लेंगे, एक बार हम लोग फिर से 0.4 माइनस 0.2 पे निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? ये बताइए, क्लियर? शुभम कैसे समझ गए सर? कह रहे थे कि यार दिक्कत क्या हो रहा है सर, मतलब कि इंटरनेट के कारण सर शुरू से ही नहीं समझ पाए सर।
तुम वीडियो देख के समझना, वीडियो देख के समझिएगा, ठीक है। चलिए बाकी जिनको अभी दिख रहा है वो बताइए, कोई दिख रहा है किसी को? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, सीपीई का आपने जो वैल्यू निकाला वो पुट कर रहे हैं हम लोग, सीपीआई का जो दो वैल्यू है ना उसको पुट कर रहे हैं। तो सीपीई का हम लोग चार वैल्यू निकाले हैं, फॉर विंडवार्ड एक निकाले हैं, फॉर लीवार्ड एक निकाले हैं, फॉर ई जी निकाले हैं, फॉर एफ एच निकाले हैं, चार वैल्यू उसका निकाले हैं। तो चारों के लिए हम निकाल रहे हैं कॉम्बाइंड विंड प्रेशर। उसके बाद विंडवार्ड के लिए हम जब से निकालने गए तो हमको सीपीआई दो को वैल्यू मिला तो उसको डबल कर दिया, तो दो को यहाँ निकला, दो को लीवार्ड में अब निकलेगा, दो को आपको जो ई जी है उसमें निकलेगा और दो को एफ एच में निकलेगा। इसीलिए दो दो चार दो छह दो आठ वो चीज निकलेगा, आठ वो कंबाइंड विंड प्रेशर निकलेगा। चलिए बताइए कितना आया है ये वाला? माइनस डेढ़ सौ सर, 150। ठीक है, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे इसको? अपलिफ्ट लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा? माइनस कितना आया है? 450 सर। यस यस, ये भी आपका अपलिफ्ट हो गया। चार वैल्यू निकल के आ गया, चारों वैल्यू आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको जरा। अब हम लोग चार वैल्यू और निकालेंगे। अभी ये जो सारा निकला है इसको हम लोग बोलते हैं केस वन। याद आया? केस वन। चलिए जब बोलिएगा इसको मिटाएंगे। बहुत आप पास पहुंच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन के, लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंबाइंड विंड प्रेशर फॉर ईजी। ईजी का मतलब क्या हुआ? नियर गैबल एंड, जैसा कि इसको बोलते हैं। इस केस में भी दो को होगा। उसके बाद निकालेंगे फॉर एफ एच इंटरनल बे, इंटरनल बे। तो इस केस में दो निकलेगा। सीपीई कितना है बताइए? माइनस 0.7। दोनों में माइनस 0.7 हम लिख दिए। एक बार करेंगे इसमें प्लस 0.2 इंटू 750 जो पीडी है, यहाँ पे माइनस 0.2 एक बार करेंगे इंटू 750 करेंगे। निकालिए जरा इसको कितना कितना आता है। तो माइनस 375 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी अपलिफ्ट हो गया। यहाँ पर भी माइनस 675, 675 भी अपलिफ्ट। ओके, इस केस में एफ एच में आइए। सो हियर आई थिंक 0.6 था ना सीपीई। यस सर। तो एक बार प्लस 0.2 कर देते हैं इंटू 750, देखिए कितना आता है। 300 माइनस 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया अपलिफ्ट। और एक बार हो गया माइनस 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया अपलिफ्ट। तो हम लोग सब वैल्यू अब निकाल लिए, आठ वैल्यू निकल के आ गया। सो दीज आर एक्चुअली केस टू, ये केस टू के लिए हमने निकाल लिया। चलिए ये निकल गया, बताइए बोलिए आ गया यहां तक समझ में? यस सर। तो मुझे बताइए कि इन आठों वैल्यूज में जो आठ वैल्यू आपको मिले हैं, चार चार आठ दोनों केसेस को मिला के, सबसे वर्स्ट इफेक्ट विंड का कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बताइए। सबसे वर्स्ट इफेक्ट सर ईजी में माइनस 675। ईजी में जो है नियर गैबल एंड इतना ज्यादा प्रेशर है, 675 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉम्बाइंड विंड प्रेशर आ रहा है, जो कि मोस्ट क्रिटिकल है, सबसे वर्स्ट, सबसे गंदा जो है, या सबसे मतलब ज्यादा बोले डेंजरस जो है, वो आपका 675 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो है। तो हम लोगों को किस पे डिजाइन करना होगा रूफ ट्रस को?
बोलिए 675 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए। यहाँ माइनस और प्लस का सिर्फ ये है कि माइनस प्लस होने से हमको पता चल जाएगा कि कौन डाउनवर्ड है कौन अपलिफ्ट है, ठीक है। तो जो अपलिफ्ट है वो 675 में हमको ज्यादा दिख रहा है, मतलब वैल्यूज आप देख लीजिएगा, जो मैग्नीट्यूड है वो देखिएगा कि कौन सा मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा लग रहा है। तो जो मैग्नीट्यूड ज्यादा लग रहा है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो क्रिटिकल है और हमको उस पर डिजाइन करना होगा। 675 पे अगर डिजाइन करेंगे तो सारा जो रूफ है वो हमारा सेफ हो जाएगा, जो रूफ ट्रस है हमारा सेफ रहेगा। चलिए यहाँ पे अब एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यही क्वेश्चन यही खत्म हो जाए। अब फोर्स निकालने की बात क्या है, फोर्स कब निकालेंगे, एरिया जो पुट करना पुट करिए, फोर्स निकल जाएगा जहां जो रिक्वायर्ड होगा हम लोग फोर्स निकाल लेंगे। क्योंकि लोड में हम लोग हमेशा लोड को कैसे दर्शाते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर या मीटर स्क्वायर, उस तरह से। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा लोड निकल जाएगा। समझ में आया, बोलिए। यस सर। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है, वो जरूर लिखिए इस स्टेप में, जब ये पूरा हो जाए तो यहाँ लिखना होगा आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखना होगा, क्या लिखेंगे कि लिख देंगे यहाँ पे द रूफ शुड बी डिजाइन फॉर द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ विंड, ठीक है। ये आपको लिखना है कि वर्स्ट इफेक्ट डिजाइन करते हैं, ये तो आपको बताया भी मैंने। तो यहां पे हमको क्या पता चला, ऑन मेकिंग कैलकुलेशन जब हमने कैलकुलेशन किया, इट इज क्लियर, यहां पे ये क्लियर हो गया दैट द रूफ विल बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम अपलिफ्ट व्हेन द विंड, किधर से बहेगा तो विंड ब्लोज पैरेलल टू रिज, मतलब क्या हुआ, थीटा इज 90 डिग्री एंड द इंटरनल प्रेशर, ठीक है, या पॉजिटिव नेगेटिव हुआ ना, माइनस हुआ ना, ये अपलिफ्ट हम लोग लिख दिया है तो एक लाइन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, व्हेन द इंटरनल प्रेशर इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आया ना, माइनस में आया था, ये लाइन लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ, हेंस द रूफ विल बी डिजाइंड फॉर अ प्रेशर ऑफ 675 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि यही हमको ज्यादा दिख रहा था हम लोगों को, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये जो है इसी पे, ऑन बोथ रूफ स्लोप, मतलब सभी पे हम इसी से डिजाइन करेंगे, किसी भी स्लोप पे थीटा 0 हो या 90 हो हम इसी से डिजाइन करेंगे ताकि हमारा सेफ रहे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, बताइए। yes, लेकिन yes, ये जो पार्ट आप आज समझे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं समझ पाए हैं या थोड़ा बहुत कमी है, एक बार और देखेंगे आज आप लोग, ठीक है, इसको रिपीट करके देखेंगे, बार बार देखेंगे और समझ जाएंगे इसको, क्योंकि ये अगर निकालने आ गया तो समझिए आपको जो डिजाइन है स्टील रूफ ट्रस का वो भी समझ में आ गया।
क्योंकि कॉम्बिनेशन अब करना है, विंड लोड पता चल जाएगा, विंड प्रेशर पता चल गया, लाइव लोड आपको दे दे कि इतना न्यूटन पर मीटर लाइव लोड है, इतना डेड लोड है, तुरंत आप उसको जोड़िएगा और टोटल लोड निकाल लीजिएगा। टोटल लोड निकल गया, अब हम क्या करेंगे, ट्रस में जाके देख लेंगे कौन मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है, तो टॉप कॉर्ड का डिजाइन कर देंगे, बॉटम कॉर्ड का डिजाइन कर देंगे, वेब मेंबर का करना है वेब मेंबर कर देंगे, वेब मेंबर का, तो इस तरह सबका डिजाइन कर देंगे एंड कनेक्शन का डिजाइन कर देंगे। तो एक साथ हम लोग सब डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें क्या होगा आपको कि विंड प्रेशर निकालने का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, एक तो ये पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डिजाइन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कंप्लीट डिजाइन करने बैठेंगे हम लोग तो दिन भर लग जाएगा और उससे भी ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि इतना सारा उसमें मेंबर्स होते हैं। तो हालांकि डिजाइन वगैरह में क्या होता है, लोड दिया रहेगा तो आपको टॉप कॉर्ड का डिजाइन और बॉटम कॉर्ड का डिजाइन करना होता है, ठीक है, वो काम जरूर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें इसी तरह से हम लोग करेंगे। मेन चीज आपका ये है, ठीक है, क्लियर हुआ चीजें, बताइए। और yes. बाकी लोग लिख लिए थे ना ये? यस सर, हो गया, ठीक है, यस सर। तो यही बात है कि आप मान लीजिए कोई भी ट्रस आपको दे दे, ठीक है, कोई ट्रस दे दिया आपको यहाँ पे और लोड दे दे, जो कोई लाइव लोड अप्लाई हो उस पर कुछ लोड मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, 100 किलो न्यूटन लोड यहाँ लग रहा है, सपोर्ट वपोर्ट दे दिया आपको, ट्रस का मेम्बर दे दिया आपको, उसके बाद आपका विंड लोड तो पता चल ही गया, लाइव लोड पता रहेगा, स्नो लोड और बाकी चीज़ें भी दे दी मान लीजिए, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद मान लीजिए इसका डिजाइन करना है, ये कॉम्प्रेशन में आ रहा है कॉम्प्रेशन की तरह डिजाइन कर देंगे, टेंशन में आ रहा है टेंशन की तरह डिजाइन कर देंगे, जैसे इसकी बात करें तो बताइए, तो जरा ए बी सी इसमें ए बी किस में आएगा, ए सी किस में आएगा, बी सी किस में आएगा, लोड आने से क्या लगता है इसमें कॉम्प्रेशन आएगा, एबी में कॉम्प्रेशन आना चाहिए, एबी और एसी में कॉम्प्रेशन आएगा सर, इसमें बीसी में आएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है, जब एनालिसिस आप करेंगे चीजों को तब आपके पता चलेगा आपकी कि हाँ किसमें कॉम्प्रेशन है किसमें टेंशन है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग फिर डिजाइन करेंगे। तो आज का क्लास यही था, इतना ही था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो एक बार ब्रीफली देखेंगे डिजाइन क्या होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं रूफ ट्रस का, फिर पर्लिंस का देखेंगे क्या स्टेप है डिजाइन करने का। तो हालांकि ये चीज़ जो आज मैंने बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा और मुझे जहाँ तक लगता है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं बस हम बताएंगे आपको और उस पर एक एक हो सकता है एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जो मैंने बताया अभी तक स्टील स्ट्रक्चर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना कर लेते हैं मत समझिए आप 99% क्वेश्चन करके आएंगे, 1% का हम जिम्मेदारी नहीं लेते, 1% कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो अभी तक मैंने बताया वहाँ से पूछे जाएंगे। और डिजाइन ऑफ पर्लिंस और जो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ट्रस जो है वो बहुत, पर्लिंस का डिजाइन तो छोटा है, जो आपका ट्रस का डिजाइन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ट्रस का डिजाइन मतलब समझ रहे हैं कितना मेम्बर आ गया, पर्लिंस भी उसी में आ गया, समझ रहे हैं बात, पर्लिंस भी उस पर आ सकता है, क्योंकि पर्लिंस कौन सा पार्ट है, ट्रस ये हुआ तो पर्लिंस कौन सा पार्ट है बताइए, ये वाला, समझे, ये पर्लिंस है, तो पर्लिंस का भी डिजाइन करना हो सकता है, तो वो भी आपके सिलेबस में है बट उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।